मंगल भवन अमंगल हारी, तवहु सुत दशरथ नर बिहारी। जो चेतन तह जग करे, जड़ ही करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजी जीव ते धन्य सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। कहो ज्ञान से धात बुझाई, सुनो भक्ति मन की प्रभु ताई। राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, वसे गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह त्रित निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं लाई बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हारे ही सकल शलभ समुदाई। खल काम आदि निकट नहीं जाई, वसे भक्ति मणि यही उर माही। गरल सुधा सम अरिहित होई, ते मन बिन सुख पावे न कोई। व्याप ही मानस रोग ना भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भक्ति मणि उर वस जाके, दुख लवलेश न सपने ताके। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मन लागे सुजतन कराही। सोमणि यद्यपि प्रगट जग नहीं, राम कृपा बिन नहीं कोई लही। सुगम उपाय पाई वे घेरे, नरहत भाग्य देत भट मेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मरनी सजन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर गारी। भाव सहित खो दई दे प्राणी, पाव भक्ति मनी सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। राम सिंधु गण सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न पाऊं पाई। अस विचार जो करु सत संगा, राम भक्ति के ही सुलभ विहंगा। ब्रह्म प्रयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आह। कथा सुधामति कारई, भक्ति मधुर ताजा सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। विरति चरम असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मार। जय पाये सो हरि भगत, देख खगेश विचार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। मुनि सप्रेम बोले खग राम, जो कृपाल मोहे ऊपर भाऊ। नाथ मोहे निज सेवक जानी, सप्त प्रशन मम कहो बखानी। पथ में कहो नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। भर दुख कवन कवन
चेतन को जड़ करते हैं और जड़ को चैतन्य करते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी को समर्थ श्री रामचंद्र जी को जो जीव भजते हैं वह जीव धन्य है। हे गुरु जी, ज्ञान का सिद्धांत मैंने समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की महिमा को सुनिए। राम भक्ति रूपी सुंदर चित्त मणि जिसके हृदय में निवास करती है उसको दिन रात परम प्रकाश प्राप्त रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्र पास नहीं आता और लोभ रूपी हवा भी उससे नहीं बुझा सकती। तब विद्या रूपी घोर अंधकार मिट जाता है। संपूर्ण विकार रूपी पतंगों के झुंड का नाश हो जाता है। काम आदि खल उसके पास नहीं जाते। जिसके हृदय में राम भक्ति बसती है, जिसके प्रभाव से विष अमृत के समान और शत्रु हितकारी हो जाते हैं, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। भक्ति प्रताप से मानस रोग नहीं व्याप्ते, जिसके अधीन जीव दुखी है। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसको स्वप्न में भी लवलेश मात्र नहीं होता। संसार में चतुर श्रोमणी वही मनुष्य है जो भक्ति रूपी मणि के लिए अच्छे यत्न करते हैं। ये मणि यद्यपि जगत में प्रसिद्ध है तथापि बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा से कोई नहीं पा सकता। उसके पाने का सरल उपाय है परंतु भाग्यहीन मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। वेद और पुराण पवित्र पर्वत रूप है जिनमें नाना प्रकार की राम कथा सुंदर खान रूपनी है। सज्जन लोग मरम जानते हैं, बुद्धि कुदारी के समान है। हे गुरु जी, ज्ञान और वैराग्य नेत्र हैं। जो प्राणी प्रीति के साथ खोदता है वह समस्त सुखों की खानी भक्ति मणि को पाता है। बिशुंडी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम जी के दास राम जी से बढ़कर हैं। रामचंद्र जी समुद्र रूपी हैं, धीरजवान हैं, सज्जन मेघ स्वरूप हैं, भगवान चंदन वृक्ष हैं, संत पवन रूप है, सबका फल सुंदर हरि भक्ति है जो बिना संतों की कृपा से नहीं मिलती। हे पक्षीराज, जो ऐसा विचार कर सत्संग करेगा उसको राम भक्ति सहज में प्राप्त होगी। वेद सागर रूप है, ज्ञान मंद्राचल रूप, सज्जन देवता रूप है, जो समुद्र को मथकर कहा कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार लेकर मधलोभ और ज्ञान रूपी छत्रों को मारकर विजय प्राप्त होती है। हे गरुड़ जी, विचार करके देखिए, वही राम जी का भक्त है। तब पक्षीराज गरुड़ जी ने प्रेम के साथ बोले, हे कृपानाथ, यदि आपकी मुझ पर प्रीति है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर दीजिए। हे मतिधीर स्वामी, ये कहिए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये विचार कर संक्षेप में कहिए। संत और असंतों में भेद तुम जानते हो, उनका सह स्वभाव बखान कह कहिए। वेद में
प्रसिद्ध बहुत बड़ा पुण्य कौन है, अत्यंत विकराल पाप कौन है, उसको भी कहिए, मानस रोज समझाकर कहिए। भुशुंडी जी ने कहा, तुम सर्वज्ञ मुझ पर बड़ी कृपा रखते हो, इसी से ऐसा कहा है तात। आदर और प्रेम के साथ सुनिए, ये नीति मैं संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, जिसको जड़ चेतन सब पूछते हैं, जो नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सुख को देने वाली है, उस शरीर को धारण कर मनुष्य श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं करते, विषयासक्त होते हैं, वह नीच से भी नीच है। हे पारसमणि, वे हाथ में फेंक देते हैं और स्वर्ण के बदले कांच लेते हैं। संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं, संत समागम के समान कोई सुख नहीं। हे पक्षीराज, संतों का सहज स्वभाव है कि मन वचन और कर्म शरीर से परोपकार करना है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अभागे दुर्जन दूसरों को दुख देने के लिए कष्ट भोगते हैं। सत्जन भोजन पात्र के समान है, जो दूसरों के कल्याण के लिए विपत्ति सहते हैं। संत की तरह दुष्ट लोग पर बंधन करते हैं, अपनी खाल निकालकर विपत्ति सहकर मरते हैं। ये गरुड़ जी, दुर्जन लोग सांप चूहे की तरह बिना स्वार्थ के दूसरों को हानि करते हैं। दुर्जन पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले खेती को नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्टों का उदय जगत के अमंगल का कारण है, जैसे केतु ग्रह। संतों का उदय सदा सुखकारी है, जैसे सूर्य चंद्रमा का उदय होना संसार के लिए सुखदायी है। वेद में विख्यात उत्तम धर्म अहिंसा है, पर निंदा के समान अन्य पाप नहीं है। विष्णु और गुरु की निंदा कर हजार जन्म तक मेंढक का शरीर को पाता है। ब्राह्मण की निंदा करने वाला बहुत से नरक भोगकर कौए का शरीर धारण कर संसार में जन्म लेता है। जो अभिमानी प्राणी देवता और वेद की निंदा करते हैं, वह रौनक नरक में पड़ते हैं। निंदा में रत जीव उल्लू के समान है, जिसे ज्ञान की रात्रि पे ज्ञान रूपी सूर्य से विमुख है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। खा भुशुंडी जी कहते हैं, हे तात, अब मानस रोगों को सुनो, जिससे सब लोग दुख पाते हैं। अज्ञानता सब व्याधियों का मूल कारण है, जिससे बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। काम रूपी वात, कफ रूपी अपार लोभ और क्रोध रूपी पित्त नित्य छाती को जलाते रहते हैं। जब ये तीनों भाई वात, पित्त और कफ प्रीति करते हैं, तब दुखदायी सत्रिपाक रोग उत्पन्न होता है। नाना प्रकार की दुर्गम अभिलाषाएं सब तरह की पीड़ाएं हैं, जिनका नाम कौन जान सकता है। ममता दाद रूप है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष शोक बड़ा गरुआ नामक रोग है, दूसरे के सुख को देखकर जलना क्षय रोग है, और दुष्टता तथा मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अभिमान अत्यंत दुखदायी गठिया रोग है। दंभ, पाखंड, मद और मान नहुरा नसों का रोग है। तृष्णा जलोधर रोग है, और तीनों प्रकार की इच्छाएं तरुण अंतरियां ज्वर है। हाह और ज्ञान दो प्रकार के ज्वर हैं, कहाँ तक कहूँ। इस तरह के अनेक के प्रकार के बुरे रोग हैं। मनुष्य एक ही व्याधि के वश में होकर मर जाते हैं, और ये तो अनेक असाध्य रोग हैं, जो निरंतर जीव को दुख देते रहते हैं, फिर वह कैसे स्थिर रह सकता है। हे गरुड़ जी, नियम धर्म आचार श्रेष्ठ आचरण तप यज्ञ तप जप और दान रूपी करोड़ों औषधि करते हैं, फिर भी ये रोग नहीं जाते।